हम लोगों को पिछले 20 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। अब आप स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो 3000 लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी, परिस्थिति होगी। इसरो हो चाहे रेलवे है, हर संस्था को इसके बावजूद भी ये चीज़ में हम लोग का ऐसा स्थिति हो गया कि हम लोग का अभी पेट भरने के लिए, पेट चलाने के लिए, घर चलाने के लिए एक पैसा तक नहीं। कैसे हम अपना बेटी को पढ़ाएंगे, आगे फ्यूचर क्या है, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और दर्श न्यूज देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत अब जो है सूर्य की तरफ अग्रसर हो चला है, यानी अब मिशन सूर्यान की शुरुआत आज हो चुकी है। अब आपको बता दें कि इसरो के द्वारा आज आदित्य L1 की लॉन्चिंग की गई और ये लॉन्चिंग जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग हुई, ये सफल लॉन्चिंग हुई। हालांकि हम आपको बता दें कि ये सफल लॉन्चिंग हुई, सफल लॉन्चिंग के बाद जो है आज पूरा भारत गर्व महसूस कर रहा है और पूरे भारत में वो जोश और जुनून जबरदस्त देखा जा रहा है। और इस वक्त हम HEC के परिसर में मौजूद है और HEC के जो इंजीनियर है, जो कर्मी है, उनसे हमने बात किया तो इसी HEC के कर्मियों ने गर्व तो महसूस किया लेकिन दूसरी ओर अपनी विडंबना भी बताई। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आदित्य L1 का आज लॉन्चिंग हुआ है, इसके लिए पूरे देश को, वैज्ञानिकों को और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इसके लिए कार्यरत रहे हैं सबको बहुत बहुत बधाई है। बधाई के साथ साथ हम लोग की जो करेंट स्थिति है वो 20 माह से अभी हमारा सैलरी नहीं मिल पाया है। हम लोग लगातार प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति महोदया को और सभी तरफ हम लोग पत्राचार के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को बताए हैं लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहलू उनके तरफ से नहीं आया है। हम लोग लगातार लगे हुए, अभी भी हम पुनः सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी परिस्थिति को जल्दी से जल्दी सही किया जाए ताकि हम देश के विकास में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकें। हमारे देश के वैज्ञानिकों को, इसरो को इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, जिन्होंने ये गौरवपूर्ण क्षण हमारे पूरे देश को प्रदान किया है। और साथ ही साथ HEC में कार्यरत सभी को भी बधाइयाँ और वो भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण मिशन में HEC का भी योगदान रहा है। जिसको आप लीजिए, चाहे चंद्रयान 3 का हो, चाहे चंद्रयान 2 हो, 1 हो या आदित्य L1 हो, इसरो के लिए HEC ने जो योगदान दिया है, चाहे वो लॉन्च पैड का हो, चाहे वो HSD हो, चाहे वो टावर क्रेन हो, चाहे वो व्हील बोगी सिस्टम हो, चाहे वो आपको क्रेन्स वगैरह हो, आप चूंकि ये अभी आदित्य L1 का लॉन्चिंग है, इसमें भी HEC का योगदान रहा है और उसके लिए हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सर देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और सुख दुख तो लगा हुआ है लेकिन पहली चीज़ ये कि आपको इतना हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, देश सेवा, आप सोचिए कि देश सेवा ही है कि जो इतने महत्वपूर्ण उपकरण इसरो के लिए हो चाहे डिफेंस के लिए दे रहे हैं, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी आज हमारा 20 महीने से ऊपर सैलरी बकाया हो चुका है। हम लोगों को पिछले 20 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। अब आप स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो 3000 लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी, परिस्थिति होगी, घर परिवार कैसे चल रहा होगा, ये सोचकर ही आप 20 महीने सोचकर एक अनुमान लगाइए कि कैसे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे का स्कूल हो, आप परिवार का भरण पोषण का कार्य हो, ये सब चीज़ें बहुत ही मुश्किल है अभी। और सरकार से हर माध्यम से हम लोग आग्रह कर चुके हैं कि आप कृपया करके HEC यहाँ पे कार्यरत लोगों पर ध्यान दीजिए, अब घर परिवार नहीं चल रहा है। पिछले 1-1.5 सालों से ये हम लोग आग्रह कर रहे हैं सरकार से, हर माध्यम से किया गया है, उनको पत्राचार भी दिया गया, पोस्ट कार्ड भी दिया गया है, चाहे वो राष्ट्रपति महोदया हो, चाहे वो प्रधानमंत्री महोदय हो, सबको हम लोगों ने हर तरीके से उनको अपनी स्थिति परिस्थिति बताई है लेकिन फिर भी अब ना जाने क्या सरकार का रवैया है कि वो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक तरफ वो मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो देश के लिए HEC जो एक संस्थान है इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, आप उसको अनदेखी कर रहे हैं। आप अगर न्यूक्लियर रिएक्टर जो पहली बार देश में डेवलप किया, HEC ने डेवलप किया डिफेंस के लिए सन 2000 में, लॉन्च पैड HEC ने पहली बार देश में बनाया, अभी जो व्हील बोगी सिस्टम है इसरो को दिया गया है वो भी पहली बार HEC ने देश में बनाया, तो इतने महत्वपूर्ण
योगदान के बावजूद भी सरकार अनदेखी कर रही है, तो ये तो स्थिति अब समझ से परे है। देखिए, आज बहुत ही खुशी की बात है जो हमारे साइंटिस्ट दिन के दिन इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। आज आदित्य एलवान का लंच किया, हमको बहुत खुशी हो रहा, पर हम लोग भी इसमें मतलब क्या बोले हैं, इसके बावजूद भी हम लोग के मुंह में मतलब फेस पे खुशी नहीं महसूस हो रहा है, इस वजह से कि हम लोग का भी तो कैसे चलेगा मेरा परिवार, 18 महीना 19 महीना होने जा रहा है जो पेमेंट अभी तक नहीं मिला। हर तरह से HEC कोशिश किया कि भाई चाहे इसरो हो चाहे रेलवे है, हर संस्था को हर चीज़ बना के दिया, बहुत सारी चीज़ बना के दिया, इसके बावजूद भी HEC में हम लोग का ऐसा स्थिति हो गया कि हम लोग का अभी पेट भरने के लिए, पेट चलाने के लिए, घर चलाने के लिए एक पैसा तक नहीं, कैसे हम अपना बेटी को पढ़ाएंगे, आगे फ्यूचर क्या है अभी हमको समझ में नहीं आ रहा। लोन का पैसा ख़त्म हो चुका है, अभी स्कूल में फी बाकी है हमारे, हमको समझ में नहीं आ रहा हम कैसे चलाएं। देखिए, प्रबंधन तो यही सब कहते आ रहे हैं कि आज मिलेगा कल मिलेगा, इसके बाद पता नहीं कब मिलेगा। तो सुना आपने कि HEC जो इंजीनियर और कर्मी जो है क्या कुछ कह रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि आज जो चंद्रयान 3 के बाद जो है सूर्यान की तरफ जो है भारत अग्रसर है और बहुत सफल हो रहा है, तो इसमें HEC का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आज HEC के जो कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, अभी तक उन्हें 19 महीने तक का वेतन नहीं मिला है, यानी 19 महीने से वेतन नहीं मिला है, कि विडंबना वाली बात है। इसको केंद्र सरकार गंभीर रूप से ले, क्योंकि लगातार जो है इस तरह से विडंबना के कारण, बदहाली के कारण उनकी आर्थिक स्थिति वो बदहाल हो चुकी है। दर्श न्यूज़ के लिए रांची से मैं मोहन कुमार।